समझ सको भारतीय संविधान की उनका पालन करूंगा। इसमें मुझे अपना जीवन ही स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम अनन्य सम्मान में। आप सबका बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसमें बात होगी शौर्य और शहादत की। इसमें हम बात करेंगे उन शहीदों की जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। कैबिनेट मंत्री श्रीमती माया सिंह जी को जो इस खास कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दीप प्रज्वलन के लिए, सबसे पहले मैं उनको आमंत्रित करता हूं। माया सिंह जी आप मंच पर आए। मैं एमएस बिट्टा साहब को बुलाना चाहूंगा जिनको जिंदा शहीद कहा जाता है क्योंकि 14 आतंकवादी हमले एमएस बिट्टा पर हुए जो एक जमाने में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और कभी तब के प्राइम मिनिस्टर ने इनको पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चुके, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक, प्रवक्ता और बहुत अच्छे रामकथा वाचक मुकेश नायक जी, इनका जोरदार स्वागत कीजिए आप। तो अब समय है देश के उन शहीदों की शहादत को सम्मान देने का जिन्होंने हम सबकी रक्षा के लिए बिना किसी परवाह के सरहद पर अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद नायक रामवीर सिंह तोमर के शौर्य और त्याग के लिए उन्हें अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया को करगिल युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर को दुश्मनों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी थी। दुश्मन 1500 फीट की ऊंचाई पर पूरी ताकत के साथ मुस्तैद थे। इस बीच दुश्मनों ने मशीन गन से फायर किया जिसका उन्होंने हिम्मत के साथ सामना किया, लेकिन हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत सरकार ने हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया को उनके इस अदम्य साहस के लिए वीर चक्र से नवाजा। भिंड मध्य प्रदेश के अनूप कुमार शर्मा वहीं तैनात थे। लांस नायक अनूप कुमार शर्मा ने बहादुरी के साथ इस हमले का जवाब दिया। कई गोलियां लगने के बावजूद अनूप न सिर्फ पूरे पराक्रम के साथ डटे रहे बल्कि अपने साथियों की हौसला अफजाई भी की। इस मुठभेड़ में दुश्मन तो परास्त हो गए लेकिन लांस नायक अनूप कुमार शहीद हो गए। आपके अदम्य साहस और पराक्रम को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आपकी शहादत को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। करगिल युद्ध के दौरान राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के हवलदार शर्मन सिंह बतौर सेक्शन लीडर टाइगर हिल पर तैनात थे। अपने साथियों के साथ मिलकर हवलदार शर्मन सिंह ने आतंकियों का डटकर सामना किया। अपने शौर्य के दम पर हवलदार शर्मन सिंह टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में कामयाब हो गए, लेकिन उसी समय अचानक छुपे हुए आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया और देखते ही देखते 28 जून 1999 की रात हवलदार शर्मन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं फौजी तभी सरहद पर लड़ पाता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है, उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि एक लड़ाई जो फौजी है वो सरहद पर लड़ता है और दूसरी लड़ाई परिवार वाले लड़ते हैं।
जो दूर अपने घरों में बैठकर अपने बेटों का, अपने वीर सपूतों का इंतजार करते हैं। ग्वालियर के रहने वाले सिपाही टीबी छेत्री जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की 88वीं बटालियन में तैनात थे। 29 जनवरी 2002 को गश्त के दौरान आतंकवादियों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया। रात होने की वजह से आतंकी इसका फायदा उठा रहे थे, लेकिन सिपाही टीबी छेत्री और उनकी टीम ने आतंकवादियों की गोलीबारी का डटकर सामना किया। तीन आतंकवादियों को उन्होंने ढेर कर दिया, लेकिन चौथे आतंकी की गोली उन्हें लग गई और वो हमेशा के लिए सो गए। उनकी वीरता के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल से नवाजा। आप ये वो फौजी हैं जो हमेशा, कोई भी शख्स किसी भी चीज से डर जाता है, लेकिन फौजी हमेशा सीना तान के किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। सत्येंद्र शर्मा के दिल में अगर कुछ था तो सिर्फ देश प्रेम। 14 मार्च 2011 के दिन भी सिपाही सत्येंद्र सिंह इसी जज्बे के साथ सीमा पर निगरानी कर रहे थे, जब कुछ आतंकियों ने देश की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। आपकी शहादत को हमारा सलाम। और उनकी पत्नी का नाम एक बार फिर हम आपको बता दें, पत्नी उनकी रजनी शर्मा जी और माँ उमा शर्मा जी, और हम इन दोनों को आज सम्मानित कर रहे हैं। प्रेम नारायण भारतीय सेना में सिपाही के पद पर तैनात थे। 10 अप्रैल 2001 को उनकी तैनाती मणिपुर में थी। गश्त करने के दौरान आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। मुठभेड़ के दौरान उन्हें एक गोली लग गई। आखिरी सांस तक उन्होंने आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। अपने घरों में सुरक्षित रह सके। शहीद जवान शिव प्रताप सिंह कुशवाहा के हौसले को अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसमें पुलिस कर्मी, पुलिस जवान और उनकी भी शहादत को, उनके भी जज्बे को हम सलाम करते हैं और गर्व करते हैं भारत माता के उन वीर सपूतों पर जो हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, और उस परिवार को भी सलाम करते हैं जो अपने वीर सपूत बेटों को। इन बच्चों के लिए खड़े होकर तालियां बजाइए, छोटे बच्चे हैं, खड़े होकर इनको खड़े होकर। शहीद एएसआई रामकिशन सिंह तोमर को उनके पराक्रम के लिए अनन्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जिसकी मिट्टी में शौर्य है, बलिदान है, कुर्बानी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है और वो देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करते हैं। लोग शहादत को सलाम करते हैं, मैं जिंदा शहीद को सलाम करता हूं इस मंच से। इनके बारे में कहा जाता है कि आतंकवादी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, राजनीति के बियाबान के जंगल से निकलकर शेर की तरह बाहर आ गए, कहते राजनीति नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री का पद ठुकराया पंजाब के शेर हैं, 14 बार आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन बिट्टा साहब को मैंने एक बार कहा शहीदों का सम्मान करना है, सारे काम छोड़कर आइए, लुधियाना से चले आए, इनको भी सलाम है। आप दो शब्द कहिए इन शहीदों के लिए। जब जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए सामने गोलियां होती हैं, जवान मौत का कफन अपने सिर के ऊपर बांध करके ये ललकारता है, मौत को भी ललकारता है, दुश्मनों को भी ललकारता है और कहता है एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी। और वो जवान की तरफ से, इन बहादुर सूरवीरों की तरफ से
मैं जरूर कहना चाहूंगा पाकिस्तान को, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानु है। मेरे भाइयों, मैं किस तरीके से जीटीवी और तिवाड़ी साहब का शुक्रगुजार हूं करूं, इतना अच्छा कार्यक्रम, शहादत को सलाम। और खास तौर पे मैं कई वर्षों से इन जवानों के परिवारों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए कई वर्षों से लगा हूं, पर जो मध्य प्रदेश में आकर के जो तिवाड़ी जी ने, जीटीवी ने सरकार से इन जवानों के परिवारों की मदद के लिए, जो जवान शहीद होगा, जवान की लाश की कीमत नहीं, जवान की इज्जत उसके जाने के बाद, उसकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी नौकरी, उनकी शादियां, उनके बच्चे कहां शिक्षा लेंगे, उनका घर, वो हर सहूलत मध्य प्रदेश सरकार से दिलवाई है। मैं आपका सबका बहुत आभारी हूं। और इस संदेश को लेकर के, इस मध्य प्रदेश की सरकार की पॉलिसी को लेके, इस जीटीवी की पॉलिसी को लेके, तिवारी साहब ने जो किया पॉलिसी को लेके, हिंदुस्तान की हर सरकार के पास जाऊंगा, उनको कहूंगा सबक सीखो यहां से कि जवानों की शहादतों का यहां अपमान नहीं होता। यहां एक जवान शहीद होता है, उसका बच्चा दोबारा सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार खड़ा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ उन जवानों को याद करते हुए आपसे फिर वादा करते हैं, जब बची हुई बोनस की जिंदगी के अंदर ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं, हे भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। अभी हमने शहीदों के परिवार वालों का सम्मान किया, एक जिंदा शहीद हमारे साथ हैं।